हेलो गाइस, हम आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम है विश्रु, तो आप देख रहे हैं जीटीटी गुज्जू टेक्नो टॉक्स। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तो हम आज आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ इस तरीके का जीशॉक स्मार्ट वॉच, जिसका मॉडल नंबर है GBDH1000। ओके, तो इस वॉच के अंदर क्या खासियत है, कैसा हेल्थ रिकवरी है, मतलब कैसा आपको हेल्थ दिखाता है, इसके अंदर वॉलपेपर है कि नहीं है, वाटरप्रूफ है कि नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका बॉक्स कैसा है, इसका फर्स्ट लुक कैसा है, सब हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिए इस वॉच के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। फाइनली गाइस, हमारे पास आ चुका है जीशॉक का स्मार्ट वॉच। कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स बनाया है, देखो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है, जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है GBDH1000 और इसका कलर्स यहाँ पे मेंशन है ब्लैक। ओके, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, इसका बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स अच्छा दिख रहा है मेरे को। तो इसके अंदर कौन कौन से कलर है, इसके अंदर और एक हमारे पास कलर देखने के लिए मिल जाएगा, इस कलर का नाम है आर्मी एक्स। ओके, तो हम फटाक से एक बार इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हम सभी का कलर जो फेवरेट है, आर्मी कलर। सभी के लिए बहुत ही फेवरेट कलर रहता है, जो सभी मेरे जैसे इंडियन से वो तो भाई इस कलर को बहुत ही मानते। ओके, तो और इसके अंदर वॉलपेपर है, यानी मैंने लगा के सेट करके रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसके अंदर वॉलपेपर लगता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। ओके, ये कलर भी हमने देख लिया, इसके अंदर और क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसके अंदर आपको एक मिल जाएगा चार्जर। ओके, ये रहा इसका वायरलेस मैग्नेटिक चार्जर, कुछ इस तरीके से दिखता है, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर। ओके, और इसके अंदर एक आपको मिल जाएगी मैनुअल, और मैनुअल आपको एक बार कोड के लिए काम आएगी, इसके अंदर एक बार कोड दिया होगा, इससे आप इसको स्कैन कर सकते हो। ओके, इस बॉक्स को हम रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड। ओके, इसके अंदर कौन सा कलर है भाई, ब्लैक, तो हम इसको निकालते हैं, बूम ब्लैक, घूम ब्लैक। अब भाई, ओ भाई साहब, क्या ही दिखता है ब्लैक कलर, मेरा ऑल्सो ब्लैक कलर भी फेवरेट है, ऐसा नहीं है, बट आर्मी इज अ लव, सो मेरा सबसे पहला आएगा हमारा इंडियन कलर आर्मी, भाई बाद में ब्लैक आएगा। ओके, ये भी ऑन है वॉच, यानी इसका बैटरी बैकअप तो सही चल ही जाएगा, वो तो पक्का मेरे को मालूम है। ओके, इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह मैं सब आपको चेक कराऊंगा थोड़ी देर दिख जाए, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा एक केबल। ओके, तो हम अभी ये बॉक्स को रख देते साइड, अभी इसका हमारे को कोई जरूरत नहीं, तो इसको डरा देते, बूम भाई साहब, चलो गया बॉक्स। और अभी ये हमारे पास आ गया है दो कलर, देख लो हमारे पास ये है अभी कुछ इस तरीके से दिखने वाले दो कलर, और सेंसर ऑन हो जाता है तुरंत ही। ओके, तो हम इस क्लोन वॉच को एक रिव्यू के तौर पे लेके आए हैं और इसका हम रिव्यू देंगे, और ये हमारा सेलिंग के लिए नहीं है भाई, हम इसको सिर्फ रिव्यू करते हैं। तो इसका आगे बढ़ते हैं क्लोन जीशॉक वॉच के साथ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका फीचर और बिल्ड क्वालिटी और बेल्ट क्वालिटी। कुछ इस तरीके से रबर का बेल्ट दिया हुआ है, बहुत ही हैवी बेल्ट है भाई, बहुत ही हैवी, मेरे मान लो बहुत ही हैवी बेल्ट है। ओके, और ब्रांडिंग भी बहुत सही की हुई है आपके, आपको दिख रही हो तो कैशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा फोकसिंग कर लेता हूँ, देख लो ये देख लो, कैशियो लिखा हुआ है, जीशॉक लिखा हुआ है। ओके, कॉपीराइट लिखा हुआ है स्पॉट वॉच, हार्ट रेट और स्टिलनेस स्टील। ओके, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, और इसके अंदर आपको फोर्स बटन्स मिलते हैं। ओके, ऑन ऑफ के लिए है और फंक्शनिंग के लिए, मैं सभी बताऊंगा कौन सा बटन किसके लिए है। ओके, कुछ इस तरीके से स्क्रू फिटिंग बेल्ट है, यानी ये बेल्ट आपका जल्दी टूटेगा नहीं, और इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने वह पटक पटक के बहुत चेक की है, कुछ इसके अंदर डिफेक्ट नहीं हुआ है, इवन मैंने हाथ में से गलती से भी गिर गया था मेरे सेकेंड फ्लोर से, तभी भी इसके ऊपर कोई स्क्रेचेस वगैरह कुछ नहीं आए। देखो, यही वॉच मेरे हाथ से गिरा था, क्योंकि मैंने ये वॉच एक फोटोग्राफी के लिए निकाला था वॉलपेपर लगा के। और अभी ये ब्लैक वॉच भी कुछ इस तरीके से दिखती है, यह भी बहुत शानदार है, इसमें भी यहाँ पे जीशॉक स्पॉट वॉच लिखा हुआ है, वाटर रेसिस्टेंट लिखा हुआ है, ये लाइट्स वगैरह के लिए है।
देख लो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सेंसर है गाइस, ये देख लो आपके हार्ट बीट के लिए सेंसर दिया गया हुआ है। आपको जो दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये हार्ट बीट के लिए सेंसर है, मैं अभी आपको वर्क करके दिखाऊंगा। ओके तो ये कुछ इस तरीके से का बैक पैनल है, पूरा स्टेनलेस स्टील का। ओके तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, एक वॉच ले लेता हूँ, रुक जाइए, ये अपना हो गया वॉच। ओके तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसके फंक्शंस वगैरह, क्या फंक्शंस है क्या नहीं है सब आपको इसके अंदर आपको मैं दिखा दूंगा। ये वॉच आपको मिल जाएंगी ऑटो सेंसर के साथ, यानी आप इसके अंदर वन टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा। कोई भी वॉच ले लो आप, वन टैप पे ये वॉच ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फंक्शंस और इसके अंदर क्या क्या और दिया गया हुआ है। ये बटन पावर ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, और ये बटन से भी पावर ऑन ऑफ होगा। ओके और एक बार ये बटन आप दबा के स्क्रीन ऑन करते हो तो ये बटन से आप फंक्शन ऑन कर सकते हो। एक बार ये बटन दबाया और दूसरी बार ये बटन दबाने से फंक्शन ऑन हो जाएगा, स्टेप्स यानी वॉकिंग का फंक्शन ऑन हो जाएगा। ओके फंक्शन को आपको स्टॉप करना है तो कोई भी बटन एक बार दबा दो और आपको इसके अंदर एंड कर देने का है और यस कर देने का है। ओके ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मेनू स्टाइल किस तरीके से देगा। ऊपर से आप करोगे तो नोटिफिकेशन बार खुलेगा, तो मैं सबसे पहले इसको ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ तो आपको देखने में मजा आए। मैंने बोला आपको ब्राइटनेस ऑन करने के लिए ऊपर से आपको निकालना पड़ेगा नोटिफिकेशन बार, और नोटिफिकेशन बार पे आपको जाने का है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस का लेवल। ओके तो मैंने कर दिया है ब्राइटनेस अभी फुल। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, और ये एनालॉग वॉच की तरह आपको इसके डायल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर इनबिल्ट कितने डायल है मैं आपको चेक कर देता हूँ। एक डायल हो गया मिलिट्री वाला, दूसरा डायल हो गया, ये तीसरा डायल हो गया, ये फोर्थ डायल है। इसके अंदर फोर्थ डायल आपको देखने के लिए इनबिल्ट मिल जाएंगे, और कोई भी डायल लगा लो बहुत ही यूनिक वॉच दिखता है वो तो पक्का है। ओके आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा, देखो एकदम यूनिक वॉच देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर और ऊपर नोटिफिकेशन बार में क्या दिया, डू नॉट डिस्टर्ब बार दिया गया, और इन्फॉर्मेशन दिया गया ये है डू नॉट डिस्टर्ब बार, मतलब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड है जो आप ऑन कर दोगे तो नोटिफिकेशन वगैरह इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इसके अंदर क्या दिया गया है, सेटिंग्स दिया गया है, और फाइंड फोन का मेनू भी इसके ऊपर ही दे दिया गया है, और एक ब्राइटनेस है जो हमने ऑलरेडी फुल करके रख दी है। ओके इसके नीचे मेनू में से क्या आता है, मैसेजेस। इसके अंदर अभी कोई मैसेजेस नहीं है फिलहाल, तो इसके अंदर मैसेजेस नहीं दिखा रहे, वरना इसके अंदर से आपको मैसेजेस देखने के लिए मिल जाते। ओके और इसके अंदर मेनू आपको स्वाइप करोगे एक बार तो इस साइड आपको मिल जाएगा स्टेप, कितने किलोमीटर चले हो और कितनी आपकी कैलोरी बर्न हो गई है अभी तक वो दिखाई देगा, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा हार्ट बीट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेंसर, तो सेंसर देखो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये सेंसर वर्क करेगा तो कुछ इस तरीके से हार्ट बीट। ओके इसके अंदर आपको मिलेगा स्लीपिंग डेटा, आप कितना सोते हो दिन में, भाई ये तो आपको मेरे को लगाना ही पड़ेगा। ओके कमेंट करो आप कितना सोते हो दिन में, एक बार एक पूरे दिन में आप कितनी बार सो लेते हो, एक बार मेरे को कमेंट करके दिखाओ, मैं भी आपकी कमेंट देखता हूँ ना गाइस कितना सोते हो, तो मेरे को भी पता चले ना मैं कितना सोता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाएगा स्पॉट डेटा, स्पॉट डेटा मिल जाएगा, स्पॉट मिल जाएगा। स्पॉट के अंदर क्या क्या क्या, वॉकिंग है, रनिंग है, ओके हिकिंग है, साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, और इलिप कैपिटल है बाद में। ओके इसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आपको हार्टबीट मिल जाएगा, ये स्पॉट मोड है, स्पॉट मोड ऑन कर देने का तो अपने आप सब काउंट होता रहेगा। स्लीप मोड है, ब्लड प्रेशर ऑल्सो दिया गया है। ओके इसके अंदर दिया गया म्यूजिक और वेदर, ये सबसे महत्व वाली बात है कि इसके अंदर वेदर है, आप वॉच कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर वेदर एक्यूरेट दिखाता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर चेक किया हुआ है, वेदर एकदम एक्यूरेट दिखाता है। और इसके अंदर क्या दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी डिस्प्ले एकदम HD दिया गया हुआ, एकदम HD डिस्प्ले। मैं आपको एक बार रोको, पूरा इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके ये हमको निकालना पड़ेगा गाइज, तो ये किस तरीके से निकलेगा मेरे को पता नहीं है। ओके मैंने ये निकाल दिया, देख लो ये उसके ऊपर से प्रोटेक्शन हटा दिया है। अब इसकी डिस्प्ले एक बार देखो, मैं बाद में उसके ऊपर टच करता हूँ, यानी कि मेरा उसके अंदर फिंगरप्रिंट ना लग जाए। अभी इसका आप डिस्प्ले देखो कैसा है, एकदम ही हैवी HD डिस्प्ले दिया गया है। ओके इसके अंदर मैंने दिखा दिया, वेदर भी दिखा दिया, इसके अंदर स्टॉपवॉच भी इनबिल्ट दिया गया और बहुत सही तरीके से वर्क करता है स्टॉपवॉच। ओके इसके अंदर अंदर मैसेजेस भी इसके अंदर दिए गए, और इसके अंदर और दिया गया फाइंड फोन और सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको जाने के बाद आपको मिलेगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन, लैंग्वेज डिस्प्ले का ऑप्शन। डिस्प्ले में आपको मिलेगा डायल ऑफ स्विच, स्विच डायल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमारे कोई काम का नहीं है वो हमको ऑटोमेटिकली ऊपर से फाइंड आउट कर लेते।
ओके, इसके अंदर आपको और मिलेगा वाइब्रेशन, इसके अंदर मिलेगा लैंग्वेज, इसके अंदर क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड सबसे मेन चीज है आपकी वॉच को मोबाइल से कनेक्ट करने की। ओके, तो ये हमारा सब फंक्शन हो गया। इसकी बैटरी दो से तीन दिन करीब चल जाती है आराम से फुल चार्ज करते हो तो। और इसके वो चार्जिंग होने का टाइम है करीबन 45 से 50 मिनट लग जाता है चार्जिंग करने में। और इसके अंदर ऑटो कट ऑफ है, तो चार्जिंग फुल होने पे ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा, आपको पावर ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब हम इसको करने का है वाटर टेस्ट, तो चलो मैं लेके आता हूँ इसके लिए थोड़ा सा पानी। ओके गाइस, तो ये हमारे साथ पानी साथ थोड़ा सा पानी में लेके आ गया हूँ। ये अपना हो गया वॉच, ये वॉच के ऊपर से मैंने पन्नी भी निकाल दिया है, यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाल दिया है। अभी ये एकदम फ्रेश वॉच, न्यू वॉच हो गया है। मैं इसको आपके सामने ही पानी के अंदर डालूंगा, हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है पानी से निकालने के वक्त। ओके, ये देख लो आपके सामने मैंने पूरा पानी के अंदर ऑलरेडी डाल के रखा है। तो अभी वॉच को मैं 2 मिनट के बाद निकालता हूँ, तो हम मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमारा 2 मिनट खत्म हो चुका है। मैं वॉच को निकालता हूँ पानी से बाहर, और ये वॉच वर्किंग होती है या ऑन होती है या ऑफ हो गई है मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं आपके सामने फिर से इसका प्रेस करता हूँ एक बार बटन। ओके, तो ये वॉच कम्प्लीटली वर्किंग है, स्मूथ वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। देख लो इसके अंदर आपको डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। ओके, मेरे को इसके ऊपर डिवाइस अभी कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं, इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं वो भी मेरे को एक बार चेक करना है। अभी तक तो मेरे को कुछ इश्यू देखने के लिए मिला नहीं, क्योंकि कम्प्लीटली अभी वर्क कर रहा है, सेटिंग भी ऑन हो रहा है। ओके, इसके अंदर डूरल डिवाइस टू डिवाइस वाला आ रहा है, और इसके अंदर कुछ और भी है क्या, मैसेजेस ऑन होते हैं, फाइंड फोन ऑन होता है, सेटिंग्स सिस्टम ऑन होता है। ओके, तो कम्प्लीटली यानी वॉच वर्किंग है। और एक बार मैं पानी के अंदर इसको डालता हूँ और हम देखते हैं वॉच वर्किंग होता है कि नहीं। ये वॉच ऑलरेडी मैंने फिर से पानी के अंदर डाल दिया है, अभी आपके सामने मैं फिर से बाहर निकालता हूँ और सेंसर वर्क करके देखता हूँ कि इसका सेंसर वर्किंग रहता है कि नहीं। तो हम इसको सबसे पहले जाते हैं हार्ट बीट चेक करने, तो हार्ट बीट के लिए सेंसर भी ऑल्सो वर्किंग है। तो ये वाटर ड्रॉप टेस्ट हमारा एकदम कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है, और ड्रॉप टेस्ट भी हमारा कम्प्लीट हो गया है। तो इसके अंदर कुछ इश्यू मेरे को अभी फेस्ट करने को लिए मिला नहीं है, टच भी एकदम स्मूथली चलता है अभी, कोई वर्किंग देख लो, बटन भी सारे वर्किंग है, कोई इश्यू नहीं है बटन में भी। ओके, तो ये हो गया हमारा वाटर टेस्ट भी हो गया। अब इस वॉच को किस तरीके से मोबाइल के अंदर कनेक्ट करना है, तो मोबाइल कनेक्ट करने के लिए आपको लाना पड़ेगा एक मोबाइल, तो हम फटाक से लेके आते हैं एक मोबाइल। तो गाइज हमारे पास मोबाइल भी आ चुका है, और ये वॉच अभी भी गीला है, पूरी तरीके से गीला है वॉच, और वर्किंग ऑन फायर गाइज, ये वर्किंग ऑन फायर है, अभी भी वॉच को कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, वर्किंग ऑन फायर है। ओके, तो ये वॉच गीला है तो हम रख देते इसको साइड, हम लेते दूसरा वॉच और इसको आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी करना है। और मेरा रखा हुआ वॉलपेपर तो सही लगता है, पर और किस तरीके से रखना है दूसरा वॉलपेपर हम वो भी चेक कर लेते। तो हम सबसे पहले लेंगे मोबाइल, और मोबाइल में आपको डाउनलोड कौन सा वॉच करना है वो मैं एप्लीकेशन करना दिखा देता हूँ। आपको करने का है फिट क्लाउड प्रो नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड, उसको करते हैं हम ऑन। तो ऑन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको। अभी मैं रजिस्टर नहीं करता हूँ, मैं यूज विदाउट अकाउंट यूज करता हूँ, मैं लॉग इन मार देने का, अभी मैंने लॉग इन नहीं किया है, पर आप लॉग इन कर देने का। मैं अभी रैंडमली यूज कर देता हूँ जो भी है, अभी हमारे को कुछ नहीं करना है। अब रैंडम यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ तरीके से किस तरीके यूज करना है। ओके, तो हम आ गए कुछ इस तरीके से, तो हमने सेव कर दिया। अभी आपको करना है टर्न ऑन ब्लूटूथ, तो मैंने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अभी आप सर्च डिवाइस करोगे तो आपके इसके अंदर लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो परमिशन दे देने की कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसमें आपको 2-3 वॉच बाजू में है, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी वॉच कौन सी है, जो सबसे कम में डीबीएस देगा वो वॉच इसके पास में हम रख देंगे, वो वॉच ये वॉच से कंपेयर हो जाएंगी, तो हमको पता चल जाएगा कौन सी वाली ये वॉच है। अभी सबसे पास में ये वॉच है, तो इसके अंदर ये आएगा, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, यही वॉच निकलेगा 99% मैं श्योर रहूंगा। फिर भी बाद में हम देखते हैं कि है कि नहीं हमारा वॉच, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, रनिंग बैक टू सेट कर दिया, कोई अभी सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं यही वॉच कनेक्ट हुआ है या दूसरा वॉच कनेक्ट हुआ है, वो अभी हमको पता नहीं है। ओके, तो अभी हम इसको चले जाते हैं डिवाइस वर्जन, सभी इसके अंदर दिखाता है। और अभी ये वॉच का मेनू स्टाइल आ गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वॉच किस तरीके से कनेक्ट हो। ये कनेक्शन आपने करनी है, कनेक्शन यहाँ से होता है, मतलब आपको करने का है कनेक्शन के लिए, यहाँ से अनबाइंड कर देंगे तो डिवाइस ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाएगा।
और बाद में यहाँ पे आपको ऐड डिवाइस का ऑप्शन दिखाई देगा, और डायरेक्ट मैंने किया उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस तरीके से भी करने में। अब आपको सबसे पहले जाने का है डिवाइस में, डिवाइस के अंदर आपको जाने का है डायल सेटिंग। तो आप जैसे डायल सेटिंग में जाओगे तो आपको बहुत सारे दूसरे डायल्स भी मिल जाएंगे, बहुत ही यूनिक डायल्स है गाइज। आप देखो सिर्फ एक बार डायल्स की पैटर्न्स देखो, डायल्स देखो कैसा कैसा डायल दिया गया हुआ है, बहुत ही सही डायल्स इसके अंदर बनाए गए हो, मेरे को बहुत ही पसंद आया। एकदम डिजिटल डायल फुल स्क्रीन वॉच के अंदर बनाया गया, और सभी फुल स्क्रीन डायल है, और हमारा वॉच भी फुल स्क्रीन है, और वॉच हमारा है डिस्प्ले HD डिस्प्ले के साथ वॉच बनाया गया हुआ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से डायल सेट करना है। आपको कोई है इसके अंदर एडिट, एडिट में आप जाओगे तो सबसे पहला डायल है, मैंने इसीलिए बाद में दिखाया क्योंकि आप थोड़ा तो मेरा वीडियो देख लो भाई, है मजाक कर रहे हो, बड़े ही तेज हो रहे हो भाई। आपको सबसे पहले जाने का ये फर्स्ट वाले डायल, फर्स्ट वाले डायल में जाके आपको करने का है सेट वॉच फेस, यानी वो नहीं करने का है भाई, नहीं आपको करने का ऐड, ऐड जाके एलो, एलो जाके आपको मिलेगा एक लाइब्रेरी मस्त सा। तो यहाँ से मैंने एक वॉलपेपर सिलेक्ट कर लिया विराट कोहली का। ओके हमने ले लिया है विराट कोहली भाई को, ये विराट कोहली को मैंने ले लिया, इसके ऊपर मैंने डन कर दिया, यहाँ से कर दिया अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद आपको करने के क्रॉप ड्रॉप करना है, तो कोई बात नहीं, बाकी ऑलवेज कर, मेरे को सेव नहीं करना है, कंप्लीट ही है भाई। स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको मिल जाएगा ये वॉच के अंदर कलर्स डिफरेंट हो गए, देख रहे हो आप लाइव, ओके ये देख लो ओके। और आपको मिलेगा पोजीशन ऊपर नीचे भाई, किस तरह टाइम रखना है, आपके मुंह के ऊपर ना है, फेस के बीच में ना है, ऐसे रखने का है टाइम। ओके अब हम करेंगे सेट एज अ वॉच डायल, अभी ये हो जाएगा सिंक्रोनाइज, हम देखते हैं आपको हो जाता है कि नहीं, ये अपडेटिंग ऑन हो गया होगा 99%। ओके अपडेटिंग ऑन होने में देरी है 1 मिनट के लिए, अब अपडेटिंग लेता है, तो हम आपको मिलते हैं ये वॉच अपडेट हो जाने के बाद। ओके तो ये वॉच अपडेटिंग होने के लिए आ गई है, देख लो अभी हमारा सिंक्रोनाइज डायल हो जाएगा, ये हमारा विराट कोहली ऑन द वॉच गाइज, लाइक दिस। इस तरीके से आप वॉच के ऊपर वॉच फेसेस रख सकते हो, और ड्रॉप क्वालिटी मैंने टेस्ट कर लिया, ड्रॉप टेस्ट वाटर टेस्ट भी कर लिया, बहुत ही सही जाता है ये वॉच, बहुत ही सही बनाया गया, वो एकदम बिल्ट क्वालिटी हैवी बनाया गया है। इसके अंदर वायरलेस चार्जर है, ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाता है, और इसके अंदर आपको स्पॉट मोड सारे मिल जाते हैं। ओके इनसे अच्छा आपको क्या चाहिए। अब बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो पसंद आए पर अभी नहीं बोलूंगा गाइज, अभी आपको मेरे को बहुत सारे चीजें दिखानी है। रुको 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 यार, ऐसे कैसे चले जाओगे, बहुत ही जल्दी है आपको जाने की भाई। नहीं 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 यहाँ से आप अलार्म सेट कर पाते हो, यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर अलर्ट, आपको कब पानी पीना है वो भी आप सेट कर पाते हो। व्रिस्ट सेंस अनेबल, यानी आपको कौन से हैंड में यूज करना है वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कंटिन्यूस मोनेटाइजिंग, मतलब समझ लो कि आप ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता रहेगा। फाइंड बैंड करोगे तो ये मेरी वॉच आपको मिलेगी, क्योंकि मेरे को पता था कि यही वॉच है, तो मैंने यही वॉच कनेक्ट किया था भाई, इतना तो पता रहेगा ना। अब इसमें आपको हवर स्टाइल मिल जाएगा, कितने हवर का डायल रखना है, 12 या 24 वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर आपको डिवाइस वर्जन मिल जाएगा, सेक फोटो मिल जाएगा, रिस्ट्रो डेटा फैक्ट्री मिल जाएगा, और इसके अंदर वॉच के अंदर अपडेट आया, मतलब इसके अंदर अपडेट आया ऐप के अंदर, तो इसको भी आप अपडेट कर सकते हो। इस तरह का कुछ बनाया गया वॉच है, और ये वॉच मैंने कहा बंद कर दिया भाई। इसके अंदर आपको स्टेप वगैरह दिखाई देगा, इधर से ही ब्लड प्रेशर वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा, आप एक बार मेजरमेंट करते हो फिर। ओके तो इसके अंदर आप माइंड में जाओगे तो यहाँ पे सब आपको डिटेल्स फिल कर देने का है, और यहाँ पे आपको सेटिंग में से वर्जन वगैरह आपको सब दिखाएंगे। आप रनिंग बैकग्राउंड में आपको ऑन रखना है तो रख सकते हो, वरना कोई बात नहीं चल जाएगा। ओके अब हमारा फाइनली ये वाला वीडियो होता है इधर ओवर। तो गाइज अब हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इतना वीडियो फैला दीजिए कि हम भी थोड़े से वायरल हो जाए। तो जय हिंद।